है आपका? गरिमा। गरिमा कहाँ से आए आप? हम गुड़गांव हरियाणा। हरियाणा से घूमने आए हैं, तो आपके गुड़गांव में तो ऐसे दौरे नहीं होंगे। नहीं नहीं, कितना एंजॉय कर रहे हैं इस? बहुत ज्यादा। अच्छा, कैमल सफारी किए कि नहीं किए? हाँ जी कर ली। डर तो नहीं लगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दो बार बैठता है। आप जानते हैं ना, आप सब कहाँ से आए हैं? हम सब साथ में हैं। सब साथ। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? इस वक्त मैं जैसलमेर के ड्यून्स में, थार के रेगिस्तान में कैमल सफारी कर रहा हूं, और आप देखिए कि किस तरीके से यहां के धोरे हैं। रेगिस्तान के रेतीले समंदर, यूं कह सकते हैं कि रेतीले समंदर हैं, और इस पर रेतीले समंदर में अगर ऊंट की सवारी नहीं हो तो मजा ही फीका रहता है। ये तमाम लोग जो हैं, बिल्कुल अशोक मेरा नाम है, और ये सारे के सारे लोग जो हैं कैमल पर सफारी कर रहे हैं, इनको बड़ा मजा भी आ रहा है। ये देखिए, तमाम लोग आनंद ले रहे हैं इस कैमल सफारी का, और सब लोग इस दोरों पर रेगिस्तान के जहाज पर चढ़कर ये एहसास कर रहे हैं कि हम आसमान के जो विमान उड़ते हैं वो इनके आगे फीके हैं। और वाकई में आनंद आता है जब आप धोरों पर आते हैं और इस तरीके से कैमल सफारी करते हैं। मजा आ रहा है ना? बिल्कुल। देखिए तमाम लोग जो हैं वो आनंद ले रहे हैं, और मैं आपको का भी नजारा दिखा दूं, जहां पर आप देखिए कि किस तरीके से लोग इस धोरों में, रेतीले रेगिस्तान में, रेगिस्तान के जहाज पर आनंद ले रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। और दूसरी तरफ अब आप देखिए, सनसेट होने वाला है, और वो नजारा अपने आप में अद्भुत होता है, अनोखा होता है। फीलिंग आती है। हालांकि हम लोग तो बेसिक गांवों से हैं, ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं, छोटे बड़े गांवों में वो तो हमें तो ये हम मैं आप लोगों के लिए दिखा रहा हूँ कि अगर आप जैसलमेर आते हैं या कहीं पर भी धोरों में जाते हैं तो आपको आनंद ही अलग आता है कि किस तरीके से आप देखिए। ये भाई साहब जो हैं, ये देखिए अंकल, हेलो, थोड़ा आगे रोक दीजिए, एक मिनट आप बता, रोको एक मिनट। क्या नाम है आपका? गरिमा। गरिमा कहाँ से आए आप? हम गुड़गांव हरियाणा। हरियाणा से घूमने आए हैं, तो आपके गुड़गांव में तो ऐसे दौरे नहीं होंगे? नहीं नहीं, कितना एंजॉय कर रहे हैं इस? बहुत ज्यादा। अच्छा, कैमल सफारी किए कि नहीं किए? हाँ जी, हाँ जी कर ली। डर तो नहीं लगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दो बार बैठता है। हाँ। आप जानते हैं ना, आप सब कहाँ से आए हैं? हम सब साथ में हैं। सब साथ में हैं। तो क्या यहाँ एक फेस्टिवल चल रहा है, उसको देखा कि नहीं देखा? हाँ, वही देखने आए हैं। वही देखने आए, साथ साथ शाम को भी देख लें ये सोचा है। तो आज यहीं कैंपिंग करने वाले हैं? सनसेट का वेट है। सनसेट का वेट है, बिल्कुल सनसेट का वेट कर रहे हैं ये लोग, और ये हरियाणा से आए हैं। आप ये यकीन मानिए कि यहाँ सात समंदर पार से भी लोग आते हैं और बड़ा एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं कि जो कैमल हैं यहाँ लोगों को राइडिंग करवाने के लिए, और ये पूरा का पूरा जो सम है यहाँ पर, इस सम के अंदर टेंट सिटी से कह सकते हैं, और इतने सारे टेंट कैंप लगे हुए हैं जिसके अंदर लोग स्टे करते हैं, कैमल सफारी करते हैं। यहाँ पर बहुत ही शानदार, आप लोगों को जीप सफारी करनी हो तो भी धोरों पर जीप सफारी कर सकते हैं। बहुत ही शानदार व्यू है, और अगर आपका कभी इधर आना हो तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। ये वो सम के धोरे हैं जिनको देखने के लिए सब लोग यहाँ पर आते हैं और आनंद लेते हैं। तो एक बार इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।